हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। दुआ करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसे प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर करने जा रही हूँ जो कि बहुत ही अमेजिंग है, जो कि बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस पर आपको मिल जाता है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये आपको नॉर्मल मार्केट में भी मिल जाएगा और ऑनलाइन भी मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, आज की वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरी बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर है जिन्होंने ये रिक्वेस्ट की थी कि दी आप इस कोल्ड क्रीम का रिव्यू शेयर कीजिए। जी हाँ, आज की वीडियो एक कोल्ड क्रीम के बारे में है। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं कि ये कोल्ड क्रीम कौन सी है। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो स्वागत आपका मेरे चैनल पर। और दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियो थोड़े से भी हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल बटन है इसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपसे मेरी कोई भी आने वाली वीडियो मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ चार्विक कोल्ड क्रीम की। जैसा कि आप देख सकते हो, पैकेजिंग की अगर मैं बात करूं तो ये आती है पिंक और व्हाइट कार्डबोर्ड पैकेजिंग में। क्यूट सी पैकेजिंग है इसकी, ये देखिए। ये सबसे अच्छी बात लगती है गाइस कि जब भी आपको कोई चीज इस तरह से पैकेजिंग में मिलती है, क्योंकि जब भी मैं कोल्ड क्रीम वगैरह आयुर की खरीदती हूँ ना, तो वो जस्ट उसकी जो डिब्बी होती है बस वो वैसी कंटेनर आपको दे दिया जाता है, वो कोई कार्डबोर्ड पैकेजिंग में नहीं आती है। तो ये एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी है कि इस क्रीम के साथ ऐसा नहीं है, आपको ये अच्छी पैकेजिंग में मिल जाती है। और इसका कंटेनर भी ऊपर आप देख सकते हो, इसकी पिक लगी हुई है इसके कंटेनर की। सभी चीजें इसके ऊपर मेंशन की हुई है, आप देख सकते हो। ये है चार्विक डीप नरिशिंग कोल्ड क्रीम, विटामिन ए सी और ई है इसमें। तो चलिए मैं इसे ओपन कर लेती हूँ। और हाँ फ्रेंड्स, मैं इसका प्राइस भी आपको बता देती हूँ, बहुत ही सस्ते दाम पर आपको मिल जाती है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है इसका। ये सिर्फ 40 रुपीज के प्राइस में मुझे ये मिली थी। तो चलिए मैं इसे ओपन कर लेती हूँ। और इस पर मेंशन भी किया हुआ है न्यू लुक माई चार्विक। आई थिंक ये पहले किसी और पैकेजिंग में आती थी। डिबिया की अगर मैं बात करूं इसके कंटेनर की, तो सेम कंटेनर है, कलर भी वही है। अब से कुछ साल पहले भी ये इसी कलर के कंटेनर में आती थी। हाँ, हो सकता है कार्डबोर्ड की थोड़ी बहुत पैकेजिंग चेंज हुई हो, तो मुझे कुछ खास याद नहीं है। तो ये देखिए। और सबसे अच्छी बात यह है गाइस कि आपको 40 रुपीज के प्राइस में 30 ml का प्रोडक्ट मिलता है। जी हाँ, आपको इसमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो है 30 ml का। ये देखिए, सभी चीजें इसके ऊपर मेंशन की हुई है। ये देखिए, प्राइस भी इसका 40 रुपीज लिखा हुआ है यहाँ पर। तो चलिए मैं इसे ओपन कर दिखा देती हूँ आपको। तो ये देखिए, कुछ इस तरह से सील्ड पैकेजिंग में आती है। ये देखिए, तो मैं इसे ओपन कर लेती हूँ। ये देखिए, मैं आपके सामने ही इसे ओपन कर रही हूँ। ये देखिए, तो मैं इसे आपको लगाकर दिखाती हूँ। खुशबू की अगर बात करूंगा, इस खुशबू बहुत ज्यादा अच्छी है। लाइक जैसे गुलाबरी होती है ना, डाबर गुलाबरी जो क्रीम आती है कोल्ड क्रीम, बस वैसी ही है। और गुलाब जल जो होता है ना, बिल्कुल सेम वैसी ही इसकी खुशबू है। मुझे बहुत अच्छी लगी है, काफी रिफ्रेशिंग है। ये देखिए, मैं इसे थोड़ा सा आपको लगाकर दिखा देती हूँ। और सबसे अच्छी बात यह गाइस, ये बहुत जल्दी आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाती है, बहुत अच्छी शाइन देती है। और मैं अगर बात करूं इस क्रीम की, तो ये बॉडी लोशन से ज्यादा देर तक आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखती है। ये देखिए, बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है आपकी स्किन में, कोई भी नुकसान नहीं करती है। और कितनी अच्छी शाइन प्रोवाइड करती है ये देखिए आपकी स्किन में। मैंने अभी तक अपने हाथ पर कोई भी मॉइस्चराइजर नहीं लगाया था, मैंने हैंड वॉश किए हुए थे ताकि मैं आपको इसका डेमो कर दिखा सकूं। तो आप देख सकते हो गाइस, ये देखिए कितना अच्छा एक ग्लो आया है आपकी स्किन में, आप दोनों हैंड्स में फर्क देख सकते हो। ये देखिए, तो मुझे इसकी चीज बहुत ही अच्छी लगी है। और बिल्कुल भी ये चिपचिपी नहीं है, ये देखिए, बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं है। ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी है। अगर आप कम प्राइस पर कोई अच्छी कोल्ड क्रीम ढूंढ रहे हैं तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकती है, डेफिनेटली आप इसे ट्राई कर सकते हो। फेस के लिए तो मैं इसे रिकमेंड नहीं करूंगी, और हल्की फुल्की अगर आप लगाना चाहें एक या दो ड्रॉप अब तो लगा सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा मत लगाइए अपने फेस पर, क्योंकि ऐसा ना हो समर्स में बहुत ज्यादा ऑयली हो जाती है, तो वो गलती ना करें। लेकिन विंटर्स के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और हाँ दोस्तों, एक चीज और बता दूं कि अगर आप कहीं बाहर सफर कर रहे हैं और अगर आप कोई बहुत ज्यादा बड़ी जैसी लोशन की बोतल होती है उसे नहीं कैरी करना चाहती है, उसे नहीं ले जाना चाहती है, और तो आप छोटी कोई चीज ले जाना चाहती हो, तो उसके लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। और हाँ दोस्तों, अगर आप इसे अपनी फटी एड़ियों पर लगाना चाहते हो तो फटी एड़ियों पर भी बेझिझक होकर लगा सकते हो, क्योंकि हमारी जो एड़ियां होती है ना वो बहुत जल्दी ड्राई होने लगती है, तो उसके लिए भी ये बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। बहुत जल्दी ड्राई नहीं होने देगी आपकी एड़ियों को, तो आप अपने इसे पूरी बॉडी पर भी लगा सकते हो, एड़ियों पर भी लगा सकते हो। मुझे ये क्रीम बहुत अच्छी लगी है गाइज, आप भी इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आप इसे यूज कर चुकी हैं तो प्लीज अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये क्रीम कैसी लगी है और आपका इसके साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा। भाई मुझे तो ये क्रीम बहुत ज्यादा पसंद आई है, हमेशा से ही बहुत ज्यादा पसंद थी, तो आप इसे डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। तो फ्रेंड, यही था मेरा आज का कोल्ड क्रीम का रिव्यू। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, और आपके लिए मेरी आज की ये वीडियो हेल्पफुल रही हो। और हेल्पफुल लगे तो प्लीज फ्रेंड्स मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों कि आपको मेरा ये आज का वीडियो कैसा लगा। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर भी। मैं आपसे मिलती हूँ और भी अमेजिंग सी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।